नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है पूरा मामला। कुरारा तहसील के डिग्गी, जरेली, मड़ेगिया, मीरापुर, डांडा, केसरिया, डेरा में बाढ़ और बारिश के कारण लोगों के घर तबाह हो गए हैं। लोगों के सामने सिर छुपाने का सहारा भी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके आवास के लिए पात्रता की जांच भी हो चुकी है। ग्रामीणों को पक्का घर जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए सभी गांव के ग्रामीण SDM से जाकर मिले। दरअसल अभी तक ग्रामीणों ने हाउस टैक्स नहीं भरा है, जिसकी देरी के चलते ग्रामीणों ने SDM से जाकर जल्द से जल्द हाउस टैक्स जमा करने की मांग की। हम लोग जो नगरपालिका क्षेत्र में नया क्षेत्र जुड़ा हुआ है रमेड़ी डांडा, वहाँ के ये निवासी हैं जो कि अभी बाढ़ से पीड़ित हैं और इनके कच्चे मकान जो है बाढ़ में पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुके हैं। इनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे लगभग मई जून के महीने में, और केवल हाउस टैक्स की वजह से, जो कि हाउस टैक्स इनका नगरपालिका में अभी हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ, जिस कारण से जो है संबंधित विभाग डूडा है वो आवास देने से या उनके खातों में धनराशि पहुंचाने से मना कर रहा है। जो है उनका कहना है कि जब तक जो हाउस टैक्स की रसीद जमा नहीं होगी तब तक हम जो है आपके खातों में राशि नहीं पहुंचा सकते। इस वजह से ये लोग जो है बिना छत के खुले आसमान के नीचे, जो इनको पन्नी भी नहीं दी गई है यहाँ तक कि जो है बाढ़ के समय, तो ऐसे ही जो है रहने के लिए मजबूर हैं। तो हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देने गए हैं कि जो है या तो हमारा हाउस टैक्स जमा करवा करके जो है हमको रसीदें मिल जाएँ जिससे हम लोग जो है आवास ले सकें, या फिर जो है उन्हीं जो भी हमें रसीदें मिली हैं, पहली दफ़ा जो हमें रसीदें मिली हैं उन्हीं के द्वारा ही हमारा आवास स्वीकृत हो नोटिस के द्वारा ही, और हमारे खातों में धनराशि पहुँचाई, इससे हम लोग जो है आवास निर्माण करवा सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है।